बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद द पर्सनल क्लब के चैनल में आपको खुशामदीद। जनाब मैं वंस अगेन आ पहुंचा हूं डीएचए कोटा की लोकेशन में आप लोगों को ये बताने के लिए कि देखिए डीएचए कोटा का काम किस तेजी से चल रहा है। तो जनाब इसके लिए मैं इंटरव्यू लेना चाहूंगा प्रदीप कुमार साहब का, जो कि डायरेक्टर डेवलपमेंट है। वो हमें बताएंगे कि डीएचए कोटा का जो ग्रैंड इंट्रेंस से लेके जो राउंड अबाउट तक किस तेजी से काम चल रहा है। तो चलाइए उनसे इंटरव्यू लेते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊँ और आप लोगों को ये बताऊँ कि डीएचए कोटा का काम किस तेजी से चल रहा है। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, ये बेस्ट टाइम है जनाब इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं। और ये बेस्ट टाइम है क्योंकि बहुत जल्द इंशाल्लाह अली भट्ट की बैलेटिंग की अनाउंसमेंट होने वाली है। जैसे मुझे कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर होती है डीएचए कोटा की तरफ से, डेफिनेटली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चले आइए इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं प्रदीप कुमार साहब का और जानते हैं डीएचए कोटा के बारे में। जनाब आज मेरे साथ मौजूद हैं डेवलपमेंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार साहब। आज ये हमें डीएचए कोटा की डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मेन ग्रेंट इंट्रेंस से लेके जो राउंड अबाउट तक है उसकी डेवलपमेंट के बारे में, सेक्टर ए के बारे में, A1, A2 और A3 के बारे में। कैसे हैं सर आप? खैरियत से ठीक ठाक है सर? काइंडली आप बताइएगा डीएचए कोटा के बारे में, ग्रैंड इंट्रेंस लेके राउंड अबाउट तक क्या डेवलपमेंट के प्रोग्रेसेस आर वेरी मच कम्फर्टेबल। हम लोग एक ऐसे जोन के अंदर अब इंटर हो गए हैं जहाँ पे चीज़ें अब आपको विजिबल और वाइबल होना नजर आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, रोड का काम आपके सामने है कि ग्रैंड एंट्रेंस से लेके 3.5 किलोमीटर का जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा टिल हॉर्सशू, जो राउंड अबाउट है जिसे हम हॉर्सशू का नाम देते हैं, हॉर्सशू फिलहाल हमारी तरफ से अभी वी आर इन टू द MOUs विद सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड दे आर प्रपोजिंग द नेम ऑफ दीज रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड ऑल दी सेक्टर्स, सो दैट थिंग इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस। तो जब उनके प्रॉपर नाम आ जाएंगे तो हम उनको उसी तरह से फिर एड्रेस किया करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल जो राउंड अबाउट है मेन हमारा, वहाँ तक 3.5 किलोमीटर में आर रोड इज थ्रू और इसके अंदर स्लीव्स का काम था, दैट्स 99% कम्प्लीटेड। रोड की कारपेट हमारी तकरीबन 98% कंप्लीट हो चुकी है। वेयरिंग कोर्स का काम, जो कि फाइनल कोर्सेज होते हैं रोड के ऊपर, जिसके ऊपर लास्ट में मार्किंग होती है टैगिंग, रोड्स के ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं, जो कैटाइज वगैरह लगती हैं, दैट्स द फेज विच आर वी गोना बी स्टार्टिंग सूनर। तो अब ये वो चीज है जिसके बाद शायद लोगों को पता चल जाए कि यार वी आर ऑन टू समथिंग, कि हाँ अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के कोई इशूज नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी खबर ये है कि अब हमने विद इन 6 to 7 months इन एरियाज के अंदर, इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर 3.5 किलोमीटर के एक्सेस के अंदर अंदर 6 ग्रीन एरियाज, 6 पार्क्स को डेवलप करना है। और इसका काम हमने अपने तर्ज पे, अपने तौर पे स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट ले चुके। एरियाज आर लेवल्ड, वी आर वेटिंग फॉर सम ऑफ द सॉइल सैंपल्स टू बी अप्रूव्ड। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को, PCSIR को हमने अपने पास इन्वॉल्व किया इन चीज़ों के अंदर। जब हमारे पास सैंपल्स की अप्रूवल हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप ये स्लैक सीजन थोड़ा सा अवॉइड करके जनवरी मिड से हम लोग स्प्रेड ऑफ स्वीट सॉइल शुरू करेंगे और इंशाल्लाह फरवरी के बाद अब ग्रीन एरिया शुरू हो जाएंगे। व्यूवर्स, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि इंशाल्लाह विद इन 6 to 7 months के अंदर हम जो पार्क्स हैं उसको देखेंगे इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा सर, मैंने भी पिछले सर्दियों में दिसंबर जनवरी फरवरी मैंने वीडियोस बनाई। अच्छा मैंने ये जरूर देखा कि दिन छोटे हो जाते हैं, काम रुकते हुए नहीं देखा, हाँ ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। इस दफा आप आने वाले मंथ्स में क्या देख रहे हैं? नहीं, ड्यूरेशंस पे फोकस हमारा है, लेकिन वो एक नेचुरल फैक्टर है जिसका कंट्रोल ना आपके पास है ना मेरे पास है। डेफिनेटली। अच्छा हमने क्या करना है कि अभी भी हमारे पास ये जो 1.25 महीना है जब स्लैक पीरियड स्टार्ट होना है, उससे पहले वी हैव गियर्ड अप आवर कॉन्ट्रैक्टर्स हियर और उनसे हमने ये कहा है कि जो वर्क प्लान आपने हमें कॉन्ट्रेक्चुअली सबमिट किया है, एक्ट अपॉन दैट। और कहीं अगर आपको रिसोर्स इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है तो प्लीज डू दैट, क्योंकि हमें पता है आगे चल के 2 महीने तक शायद आपके आवर्स भी रिड्यूस हो जाएं जी। क्योंकि बहुत सारी मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनमें शायद हमारा जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस ऑफ वर्किंग वो हमें नहीं मिल पा रहा होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी उस तरह से रीच नहीं हो पा रही होती है जी। तो वो चीजें अपनी जगह पर हैं, बट वी विल मेक श्योर कि पार्क्स विल बी ग्रीन, द रोड विल बी देयर, पीपल कैन एक्सेस हिम, दे कैन हैव देयर पिकनिक्स, फैमिली टाइम्स इनसाइड डीएचए कोटा। सर ये जितना आपने बताया पार्क्स के बारे में स्पेशली मैं जानना चाहूंगा, डेफिनेटली ये डीएचए कोटा के लिए चैलेंज तो है, क्योंकि लोग अक्सर ये सवाल करना चाहते हैं और उनके माइंड में भी कि कोटा में पानी का इशू जो है वो है, तो डीएचए कोटा को कवर कितना करेगा ये काइंडली थोड़ा पार्क से रिलेटेड पानी के इशू के बारे में जरा काइंडली बताइएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं एक सस्टेनेबल सिटी की, एक स्मार्ट सिटी की, जी स्मार्ट सिटी के जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, केटर किया जाता है, उनमें से एक होता है कि स्मार्ट यूजेज ऑफ वाटर। Definitely. तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्ट भी एक ऑप्शन होता है, आपकी जो स्नो मेल्ट होगी उसको हमने किस तरह से जो है ना वो
कैप्चर करना है और एक एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको जो है कन्फाइन करना है। अच्छा, तीसरा ये कि जो ग्रे वाटर बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ हो रहा होगा या जो ग्रे वाटर हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल में आएगा उसको किस तरह से हमने कन्फाइन करना है, टैंक्स के अंदर लाना और रीयूज़ करना है पार्क्स के लिए या फैसिलिटीज़ के लिए। अच्छा, इनिशियली स्टार्टिंग मोमेंट है, जाहिर है हमारे पास यहाँ पे कुछ बोर्स हुए हैं, इनके पानी के सैंपल्स भी हम लोगों ने लैब भिजवा दिया है टेस्टिंग पर्पज के लिए कि आया वो स्वीट सॉइल के ऊपर दे विल बी एबल टू कि हमें वो बैकअप कर सकते हैं और हम प्लांटेशन क्या उसकी मदद से कर सकते हैं या नहीं। सेकेंडरी हमारे पास यहाँ पे विद आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, विद आर डिज़ाइन कंसल्टेंट्स, कुछ चीज़ें कुछ वर्किंग्स ऐसी हुई हैं जहाँ पे हमें लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई हैं कि कहाँ कहाँ हमें एडिशनल बोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो करके हम इन पार्क्स को और सपोर्ट कर सकते हैं। तो द एक्वाफील्स आर देयर, हम अभी तक अलाउ नहीं कर रहे थे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी भी एजेंसी को कि वो यहाँ से पानी निकाल सके। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हमने जब अपने एरियाज डेवलप करने होंगे तो उनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट किसी भी तरह से जो है ना वो लो उस पे ना चली जाए, स्केल पे ना चली जाए। तो सर अभी ये बताइएगा कि आप डीजे कोटा को लिवेबल कब तक देख रहे हैं, काइंडली ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये लिवेबल तो है, लोग अभी भी रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कैंप से, वो तो कंटेनर में जा रहा हूं मैं, आके बंगला बनाऊं और बंगले में मैं आके रहूं। नहीं, आपकी if you know that we are on to the location ballot sooner or later, yeah, within yeah. within 6 to 8 months hamara program hai aur inshallah ye hum kar lenge inshallah. acha jaise hi ye cheez ho jati hai to uske baad positions ke issues hai, once the sectors ke agreements aapko pata hai humne contracts kiye hai may june tak ji, to once those contracts are finalized mujhe nahi lagta ki uske baad koi mushkil hai. ha initially kuch cheeze chalti hai infrastructure works ke sath sath parallel, yeah, जिसमें एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के भी इश्यूज आते हैं, दैट वर्किंग इज आल्सो बीन इनटू द प्रोसेस नाउ। ओवरहेड टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक्स, हर पार्क के अंदर एक है लोकेशन वाइज कैपेसिटी, एक एक लाख गैलन की कैपेसिटी के वो टैंक्स हैं। तो वंस दोज टैंक्स आर एट साइट उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और मुश्किल होगी। अच्छा, एज फार एज पावर इज कंसर्न, वी आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद केस्को, वी आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद वासा, वी आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद श्री सदरन, तो वो सारी चीज़ें भी इन लाइन है, दिल भी देर इनशाला। बाकी मैं कहता हूँ कि for a estimated timeline 2023-2024 would be the year जब लोग यहाँ पे इंशाल्लाह रहना शुरू कर दें। सर देन टेल मी अबाउट द कमर्शियल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग वन एंड बिल्डिंग थ्री अबाउट प्लीज। इन बिल्डिंग्स की प्रोग्रेसेस आपके सामने, एलिवेशन पे हमारी वर्किंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60-70% है। फाइनल कोर्ट्स हमारी तरफ से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से हमें एक शेड कोर्ट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, द कोर्ट्स विल बी देयर, और इंशाल्लाह 2-3 महीने में आपको ये दोनों बिल्डिंग्स इंटरनली एक्सटर्नली फिनिश मिलेंगी। लिफ्ट्स के काम हमारे बिल्डिंग्स के अंदर हो रहे हैं, एस्केलेटर्स एंड मशीनरीज आर देयर। अच्छा, हमारे आउटडोर यूनिट्स थाईलैंड से और चाइना से चल चुके हैं, कुछ डिलीवरीज हो गई हैं, कुछ रास्ते में हैं, तो वी आर ऑन टारगेट इंशाल्लाह। इनके टारगेट्स, इनको हमने एक एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया क्योंकि पिछला स्लेक सीजन और पिछला जो कोविड का पीरियड था उसमें सिर्फ और सिर्फ हम परेशान नहीं थे, कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान थे। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा सा उनको फेवर करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि जब तक एक चीज़ मशीनरी ही है, मशीनरी का ऑर्डर हमने कर दिया, चाइना सारा बंद पड़ा है, तो वो मशीनरी बनेगी कब, डिलीवर कब होगी, साइड पे कब पहुंचेगी, तो दैट फेज वी हैव क्रॉस नाउ। और इंशाल्लाह आगे अगर इफ एवरीथिंग गोस फाइन विद इन 6 months दीज थ्री बिल्डिंग्स विल बी ऑपरेशनल। सर आपके अगर इन सारी बातों की मैं समरी देखूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो प्राइसेस थी डीएचए कोटा की, जो इन्वेंट्रीज हैं उनकी प्राइसेस की मैं बात करूँ कि सर्दियों में या तो स्टेबल थी या तो थोड़ी सी नीचे की तरफ थी, मगर आपकी ये सारी बातों अगर मैं समरी निकालूँ तो मुझे इस दफ़ा प्राइसेस ऊपर जाते हुए ही दिखाई दे रही हैं। सर देखें, प्राइजेस ऊपर जाएं या नीचे जाएं, द मेन स्कोप एंड मेन फोकस ऑफ डीएचए इज टू फैसिलिटेट द पीपल ऑफ क्वेटा एंड पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ये फैसिलिटी, ये टाइम बाउंड एक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कॉस्ट बाउंड ये हमारे हाथ में नहीं है, ये व्यूअर्स के हाथ में, आपके हाथ में, यहाँ की लोकल आवाम के हाथ में कि वो इस प्रोजेक्ट को कितना सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। वट एवर दे हैव इन्वेस्टेड इन और उन्होंने उनसे ज़्यादा ही गेन किया, आगे भी इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं, whatever you will plant you will get the fruit later on down the line, fruit aana hai, milna hai aur inshallah acha hi milega. sir aap jaise kabil mashallah yahan par hain to mujhe puri umeed hai DHA Kota jo hai bahut jald inshallah taala livable ho jayega inshallah, magar sir iske sath main ye janna chahunga, investors viewers janna chahte hain especially Aldibert ke bare mein, 5 marla, 8 marla, 10 marla, एक केनाल, दो केनाल के प्लॉट्स के, तो इनके बारे में जरा बताइएगा कि इनकी डेवलपमेंट कहाँ तक है, कि क्या सेक्टर्स हैं, किस तरीके से, काइंडली थोड़ा सा प्लीज। जैसे जैसे सेक्टर्स की शक्ल नजर आना शुरू हो जाएगी वैसे वैसे आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 केनाल, 2 केनाल इन प्लॉट्स की शक्ल भी नजर आना शुरू हो जाएगी, और इन सारे प्लॉट्स को लेवल करना DHA खुद अपने उसके ऊपर कर रहा है, खुद अपनी मशीनरी इसके ऊपर इंगेज कर रहा है, रिसोर्स कर रहा है,
तो बहुत सारी चीजें पैरेलल में चल रही हैं। पार्क का काम डीएचए ने खुद अपनी मदद आपके तहत अपनी रिसोर्सेज यूज करते हुए लेवल किए, तो वी आर ऑन टू इट इंशाल्लाह। जैसे ही अर्ली बर्ड का अनाउंस होता है, बैलेट्स होती हैं, तो उसके बाद ये सारी चीजें भी शुरू होंगी लाइन बाय लाइन। सर मैं पार्क के बारे में बात हुई थी, ये एक मैप मेरे पास था, ये पहले भी मैंने व्यूवर्स को दिखाया था, कर लिया। यहाँ से थोड़ा जरा बताएंगे प्लीज कि हमारे पास जो पार्क पहला आ रहा है, छह पार्क आप बता रहे हैं सर, आप स्टार्ट है ये सारे पार्क जी, आपके जी। सामने जो एरिया ग्रीन हो रहा है आपका, दिस पार्क 1, दैट्स पार्क 2, पार्क 3, पार्क 4, पार्क 5 एंड पार्क 6 इन द सेंटर हियर। अभी इस टाइम पे जो पार्क जो लेवल हो चुकी है जमीन, सर सारे लेवल हो चुके, सारे लेवल कर दिए सर, ये 6 के 6 लेवल हैं। अच्छा मैंने ये देख लिया था, ये चेक कर लिया था, ये चेक कर लिया था, ये भी हो चुके हैं सर, ये भी लेवल। मैं थोड़ा सा बैक हो गया, आज मैं दोबारा की शॉट ले लेता हूं। अच्छा आपको एक और मैं हैरान कुन डिटेल दे देता हूँ, और आप अपने उसमें कैंप कवर भी करेंगे कैंप बॉर्डर के अंदर। इस पार्क के ऊपर बाउंड्री वॉल भी बन चुकी है, आप जाके बाउंड्री वॉल विजिट भी करवा सकते हैं व्यूअर्स को। दैट्स ग्रेट, मैं बिल्कुल ड्रोन कैमरे से मैं भी आप लोगों को शॉट भी दिखाता हूँ, इस वाले क्या बता रहे हैं मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आप बल्कि देख भी रहे होंगे, मैं इसके एडिटिंग के थ्रू बता भी देता हूँ। सेकंडली सर इसका बताइएगा, ये जो ये वाले हैं, आई थिंक ये भी पूरा लेवल हो चुका है। इस पार्क को हमने लेवल कर दिया है, देयर इज सम टाउन प्लानिंग इश्यूज, कुछ चीजें रिवाइज हो रही हैं, कुछ चीजें जो है ना एडिट हो रही हैं, कुछ चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है जब चलता है द प्लॉट इज लेवल्ड, 6 पार्क हमने लेवल कर दिए, अगले 6 से 7 महीनों में आप उनको ग्रीन देखेंगे और हमारे व्यूवर्स वहाँ पे पिकनिक मनाने आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला सर इन द एंड ये बता दीजिएगा, ये 6 पार्क हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये A3 में 2 पार्क आ रहे हैं, A3 के अंदर 2 पार्क है, A1 के अंदर 1 है, A2 के अंदर 2 है, और एक हमारा मेन हॉट शू, मेन जिसे हम राउंड अबाउट कहते हैं, मेन कमर्शियल अपडेट। यहाँ पे तो ग्रैंड मॉस्क आ रही है, ग्रैंड मॉस्क के साथ ग्रैंड मॉस्क का एरिया है, ग्रैंड मॉस्क के अंदर फिजिबिलिटी ना हो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक इस एरिया को हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल बेहतर है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह ताला हम आपको जहमत देते रहेंगे, आगे आने वाली भी वीडियोस हम बनाएंगे और बताएंगे अपने व्यूवर्स को, अपने इन्वेस्टर को कि जनाब ये DHA क्वेटा है और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इन द एंड अगर कुछ कहना चाहें प्लीज। मैं कहता हूँ भरोसा रखें, योर होप इज आर विजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।